कर्षु भागे शब्द वचे कला दित कर तारिया पंच दूत तुद वश कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लगे कह नानक तन सुख हुआ चित कर अनहद वजे तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लगे कह नानक तन सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच बहुते धर्म इस कल तो एक मत ने संसार का पसाओ कवाओ बिचों हो जाए। अमृत बाणी का वचन भी पढ़ते हो, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। शब्द बिचों संसार की उत्पत्ति हुई है, शब्द ही एक दिन विनाश का कारण बनेगा। उत्पत पढ़ लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द नाल ही संसार बनिया है, शब्द नाल ही संसार चलता है। रब्बी हुक्म शब्द नाल ही संसार का विनाश हो जाएगा। शब्द सब तो उत्तम है। फिर मालक ने भी यहोजी कृपा की, जदों उन्हें अपने संसार नूं बना के एक निजम बनाया भी किसी ने मेरे तक पहुँचना हो शब्द का लड़ पकड़ना पड़ेगा। शब्द नाल जुड़ के, विचार नाल जुड़ के वह निरंकार तक पहुँच सकता है, यह निजम है। गुरदेव सच्चे पातशाह ने जिहड़ी अज विचार बख्शिश की है, मैं सब तो पहला तो हाथ जोड़ के खिमा मंगना थोड़े को, पहला खिमा मंगना। वो इसलिए जिहड़ी विचार दस अज थोड़े न करन लगा है, हो सकता है थोड़े ख्याल नाल टकरावे, पर मेरा कोई फैसला नहीं है। ये विचार है, जिन्नी कि मैनूं समझ लगी मैं उस तरीके थोड़े न समझ के विचार साझी कर लगा। अगर कोई और वधिया ढंग नाल कर सकता है तो मुबारक, मेरा कोई इसलिए दावा नहीं है कि ये अंतों फैसला है जां मैं इहनूं बदनामा करी, बिल्कुल नहीं। पर मैनूं जिन्नी कि समझ लगी मैं उस हिसाब नाल तुहाडे नाल साझी करनी। मैं पिछों लैके चला, पहली पौड़ी विच आप जी ने सरवण किया है भी इतने भी सतगुरु जी ने कृपा की, राग रतन परिवार बड़िया शब्द का बनाइया। राग रतन तो सन पर उन्होंने कीमत कदों बधी, जदों शब्द का बनाइया। फिर तीजी पौड़ी विच शब्द का फिर जिक्र है, उस विच फिर जिक्र आया, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरी। शब्द का फिर जिक्र है। और जिहड़ी चौथी पौड़ी है उहदे च फिर जिक्र है शब्द का, कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। हुण आपां अज पंजवीं पौड़ी ते हां। इत्थे जिहड़ा बचन है वह पंज
बाजे पंच शब्द तित करस भग है। जदों इथे शब्द के अर्थ किए, बाजे पंच शब्द के अर्थ किए, तो उन्होंने अर्थ मैं हैरान होया, बहुते विद्वाना ने सिर्फ पांच साजां का जिक्र किया है। पांच तरह के साजां विचों जिहड़े नाद निकलते हैं, जिहड़ी आवाज निकलती, शब्द साज को नहीं हुंदा, यह गल चेते रखण वाली, शब्द मनुख दे कोल है कल्ला। नंबर एक हवा नाल बजन वाले साज जिवें हारमोनीयम है, होर कई इहोजे साज ने ब्याह शादियां च बाजे बजदे। दूजे साज ने जिहड़े तंती साज ने, जिवें सरंगी तुसीं ढाडियां नाल नित बजदी विचारदे। तीजे ने जिहड़े छणका के बजदे ने, जिवें छैणे ने इत्यादि। चौथे ने जिहड़े ओ ने जिवें आपां फूक नाल बजाउने। पंजवें ने जिहड़े ओ जिवें घड़ा वगैरा ते उहदे विच जिहड़ा खला है ते उहदे नाल बजाए जांदे ने। मैं बेनती करां ये जिन्हें भी साज बजते ने, हुण तुसीं बाजा किसी के सामने हारमोनीयम भावें घंटिया बद्धी बजाइयो, सरंगी भावें घंटिया बद्धी बजाइयो, वो घड़े वगैरह जां छैणे, ये साज जिन्ना चिर मर्जी बजाइयो। पंजवीं तरह के जिहड़े चमड़े नाल जिवें तबला है, इहनू जिन्ना चिर मर्जी बजाइयो, की किसी का जीवन सुधर जाएगा, की तब्दील होएगा? मैनू यह शब्द अर्थ भाए नहीं। मैं सीधी गल थोड़े नाल साझी करा, मैं बार बार बेनती करना, मेरे खिमा मंगना। मैंने यूं लग्या भी इन्हां साजां दे अंदर वज्जण नाल की फर्क पैण लग्या। नहीं, इत्थे शब्द का अर्थ असीं आनंद साहिब के समुचे संदर्भ चों लैके चलीए तो सानूं पता लगेगा शब्द का मतलब शब्द ही है, शब्द का मतलब वो नाद नहीं है। ये वो शब्द है, मैं अगे जाके फिर जिक्र करांगा, जिहदे नाल संसार की उत्पत्ति हुई। ये वो ही शब्द है जिहनूं रब ने अपने नाल मिलाउण वास्ते गुरु पीर पैगंबर भेजे, जिहड़े पीर पैगंबर सुनेहे लेके आए, जिहड़े शब्दां विच सुनेहे लेके आए, धार्मिक ग्रंथ बने। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विच जितने भी शब्द ने वह रब की बाणी असीं करके मनने हैं, ते इसलिए वह वाले जिहड़े शब्द ने, जिहड़े वो शब्द ने, क्योंकि शब्द जिंदगी नूं बदलाउंदा है। मैं एक बार फिर तुहाडे नाल सारे पाणा, गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज ने आसा की वार की यह पौड़ी सुनी सी, शायद किवें पौड़ी है यह पौड़ी सुनी सी, जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना सकाल बुरी क्यों करी है, मंदा मूल ना कीते ही दे लम्मी नदर निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है ते बेगा पासा ढाली है, किश नाही उपर घाली है। इस शब्द ने मन विच विचार बदला दिता ते गुरु चरणा विच जुड़ के बाबा लहणा जी धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी बन गए। शब्द ने जोड़िया साज ते भावें घंटिया बद्धी बजी जाण। दूजी बेनती करा, गुरु अमरदास जी खुद जिन्हां दी ये बाणी है वह खुद शब्द सुन के आए सन। मारू राग विच शब्द है, करनी ताकत मनवस बाणी, बुरा भला जो लेख पाए, ज्यो ज्यो किरत चलाए ज्यो चलिए तो गुण नाही अंत करे, चित चेत सकीनी बाबरे हर निश्चित तेरे गुण गलिया रहाओ, जाजी रहन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाकी केती, रस रस चौक चुगे नित पासै झूठ समूरे कवन गुणी, काया अरन मन विच लोहा पंच अगन चित लाग रही, कोयले पाप पड़े चस उपर मन जले असनी चित पई, भया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तनिहा, एक नाम अमृत ओ देवे तो नानक देहा। इस एक शब्द की विचार ने, याद रखो जी बाबा अमरदास जी ने गुरु अमरदास बना दिता, शब्द ने बनाया ना, साज ने नहीं बनाया। एक बेनती और करते हैं, जदों धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज के वेले एक बहुत व्डा गवैया, एक बहुत व्डा म्यूजिक का
संगीत का माहर बंदा गुरु चरणों में आया। सुने असी भी सतगुर के घर बड़ी वड्डी वड्याई है। वो आया तो उन्हें बड़े राग लापे, कई तरह के ताने बेटे, उन्हें कई तरह के सुर लागे, कई कुछ पड़ताल गाई, कई कुछ गाए अपने वजों बजाए। पर गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने एक बहुता ध्यान ना दिता, उठ के सिखां नूं कहण लग्या भी मैं जो सुनिया सी बड़े कदरदान है, पर मैनू तो नहीं लग्या ना तुहाडे सिखां वल्लों जिहड़ी शरीरक हाव भाव तो पता लगता है, ना गुरु अर्जन पातशाह जी हाव भाव तो पता लग्या। एडे शकीन हो बन, एडे राग दे आशक हो बन, तो आशिश कर उठन जो मैं इतने सुनाया। सिखां हस के क्या कह लगे, भलिया कला संगीत ही सी ना, शब्द नहीं सी ना बिच। और दूजे दिन शब्द सिखां ने याद करवाया, दूजे दिन उन्हें शब्द गावेया, संगीत नाल जदों शब्द गावेया, गुरु अर्जन पातशाह जी हाथ जोड़ के उन्हें कहन लगे, सजना तेरी रसना ते गुरु होर वादा करे, मालक रहमत करे, तेनू बहुत दात बख्शिश कीती है। एक ही शब्द सुन के आशर्ष कर उठे। संगीत दुनिया में पहला भी सी, संगीत अज भी है, संगीत नाल जीवन नहीं बदलते, संगीत मन नूं मोम करता है, पर मोम होए मन विच जिहड़ी मोहर लगनी उह शब्द ही लगनी। जीवन कदे तब्दील होना है उह शब्द नाल होना है। इसलिए मेरा दिल नहीं कीता मैं इन्हां पंज वाजे पंज शब्द दे अर्थ उह संगीत वाले करदे आ, वह पांच साजा वाले अर्थ कर दिया। मेरा जी नहीं किया, मेरा जी किया है भी ये शब्द जेड़े ने गुरबाणी में जेड़े देखो सानू एक नहीं अनेक सबूत मिलते हैं। गुरु नानक साहब जी ने सब तो वधीक अपने कोल की सब के रखिया, कदे जिक्र नहीं आता होर चीज का, एक ही चीज का जिक्र आता आसा हथ किताब कच। जदों मक्के की धरती से भी गए उदों भी उदों भी सतगुरु जी ने बैठा जाए मसीत में जिते हाजी हाजी गुजारी, जब सुता बाबा रात को बाद मेहराबे पाए पसारी, जीवन मारी लचनी केड़ा सुता कुबर कुमारी। उदों भी सारे कट्ठे होके जदों गुरदेव के चरणों में जा आए तो पुछन गल ईमान दी, काजी मुला कट्ठे होई बड़ा संग बरताया, लग न सके कुदरत कोई पुछन खोल किताब नू, हिंदू बड़ा कि मुसलमान हुई, उन्हें शब्द की विचार की। फिर गुरु नानक साहब जी ने जीवन बारे भाई गुरदास जी एक बड़ा प्यारा निर्णा देंदे ने, सानू सच्चाई के रूबरू कराते ने, कहते शब्द जिती सिद्ध मंडली, गुरु किसे कोई गल कान खोल के सुन लियो। गुरु नानक साहब ने किसी करामात वाले सिद्धा दी मंडलियां नहीं जितियां, गुरु नानक साहब के कोल शब्द सी रब्बी बाणी का, उहदे नाल उन्होंने जितियां। शब्द जिती सिद्ध मंडली की तुस अपना पंथ निराला, उस शब्द को छड़ के जेड़े गुरु अमरदास जी एक शब्द सुन के गुरु चरणा च आए हों, जिन्होंने आप शब्द उचारिया हो, जिन्होंने पिछले विरसे तो शब्द ले हो, यह किवें हो सकता भी शब्द के अर्थ पंज साध कर दे। नहीं, ये उही शब्द है जिहड़ा गुरबाणी विच गुरु रूप होके सानूं बख्शिश की हुई प्यो दादे के खजाने। एक दो बेनती और करते हैं फिर आप शब्द की विचार सही कर रहे। एक चेता रखियो जो अंदर साढ़े उठते ने वो विचार उठते ने, अंदर साढ़े जो उठते ने वो विचार उठते ने, विचार काबू करने वास्ते विचार ही चाहिए ने, विचारां नूं काबू करन वास्ते आकार नहीं कमा सकता। तुसीं किसे दी फोटो रख लो ते तुहाडे अंदर विचारां नूं नहीं रोक सकेगी, अंदर तां विचार नूं विचार ही रोक सकणगे। जिवें मेरे अंदर काम दा तूफान उठिया ते अंदर बैठा गुरु दा शब्द, उहने दुहाई पा दित्ती, अंदर बैठे गुरु दे शब्द ने दुहाई पा दित्ती, उह भलिया तेरा गुरु तैनूं की कहिंदा, तेरा गुरु तैनूं इह गल कहिंदा, काम क्रोध काया को गल है जो कच्चन सोहागा टल है,
तेरा गुरु तेनू अंदरों दसेगा, तेरा गुरु तेनू अंदरों एक गल समझाएगा, निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुख पावे, कड़ी मोत रंग माणे बौर बौर पछतावे। अंदर उठिया तूफान किने शांत किया? गुरु शब्द ने। फोटो ते भावे तुसी किसे भी रख लो, फोटो नहीं शांत कर पाएगी। अंदर तूफान उठिया क्रोध का, ते अंदरले क्रोध नू किने काबू किया? शब्द ने। फरीदा पुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई पटे सब किश पाए। लोभ दा अंदर तूफान उठिया, गुरु ने उसे वेले कह दिता, कह लगे भलिया लोभी का पछाण कीजै जे का पार पछाए। तैनू सच नहीं समझ लगना, इसलिए लोभ दा त्याग कर दे। ते गुरु ने कृपा की, जदों मोह दा तूफान उठिया गुरु ने अंदरों दुहाई पाती, भलिया जेता मोह प्रीत स्वाद, सपा कालख जागा दाग, दाग दोष मो चलिया लाए, दरगह बैठण नहीं जाए, अपनी शख्सियत नू दाग ना ला बैठी मोह दे, तेनू मालिक दे घर विच थां नहीं मिलनी। इह गल चेता रखी, गुरु ने अंदर शब्द रूप ने ही जेडे अंदर शब्द बजे उन्होंने ही मैनू रोकिया है। जदों हंकार की गल आई, हंकारी होके तुरिया, गुरु के शब्द ने दुहाई पा दी। वो जिदे दर से चलिया है, एडे दर से झुकने वाले की कीमत है। हर जी वह हंकार ना भा बई, वेद पूक सुना पै। अंदर उठे तूफान नू अंदरों शांत करने वाले केवल गुरु के शब्द हो सकते, बाहरों नहीं। गुरु ते उन्हें कृपा करता है, गुरु ते बख्शिश करता है, उन्हें काबू च करता है। हुण मैं गल लैके चला, क्योंकि एक दो शब्द हो सकता है विचार तो वक्रे तुहानू लगना। बाजे पंच शब्द तित घर सुभाग है। घर सुभागा किहड़ा है? नाम जिनके हिरदे वसिया, जिन्हां दे अंदर आत्मे। वो पहला आपां विचार चुके हुए हैं सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी का वचन, नाम जिनके मन वसिया। वाचे शब्द घनेरे, जिन्हां दे अंदर नाम वसिया है वह घर सुभागा, वह सुभागा किरदा। जिहदे अंदर नाम वसिया है वह सुभागा किरदा। उहदे विच शब्द वजदे ने किहड़े? किहड़े शब्द वजदे ने? जेड़े शब्द रब दे करवाए ने, जेड़े शब्दों में एड्डी वड्डी ताकत दुनिया नू बना सकदे ने, जेड़े शब्दों में ते कोई जिड्डा वड्डा कोई होवे उड्डी वड्डी उहदे शब्दों च जान आउंदी है। एक चपड़ासी है शब्द वह भी कहता है, एक जज है शब्द वह भी कहता है, पर जज दे शब्दों पिछे जज की कमाई है, चपड़ासी के शब्दों पिछे कमाई बहुती नहीं, इसलिए उहदे शब्दों में भी जान नहीं। हुण ये जेड़े इत्थे बैठे ने ना, इन्हों की कमाई बहुत वड्डी है, इन्हों के शब्दों में तां जान है, इन्हों के शब्द तां गुरु बन के बैठे ने, क्योंकि इन्हां पिछे बड़ी वड्डी कमाई है। इहो जी कमाई कौन करेगा? सारे पीर पैगंबरां तो वध गुरु नानक साहिब ने सफर किया है। इहो जी कमाई कौन करेगा? गुरु अर्जन पातशाह तत्ती तवी ते बैठे भी पाणा मान रहे ने। इहो जी कमाई कौन करेगा? गुरु तेग बहादुर साहिब मानवता दे हक्कां लई अपने आपे नूं कुरबान कर रहे ने, अपने पौने नौ साल की उम्र का पुत छड के आ गए। इहो जी कमाई कौन कर सकदा है? इह उहनां दी कमाई है, उहनां दे शब्दां विच तां जान है। तो बेनती कर रहा सां, बाजे पंच नूं भी विचारना पैणा। पंच शब्द गुरबाणी विच दो तरीकिआं नाल आया। पंकान सिंह नाभा ने भी इहदे अर्थ इवें कीते ने। एक पंच पंजां दी गिणती लई आया, एक पंच मुखीए लई भी आया। जिवें आपां पढ़दे हां, पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, ओह पंच शब्द दा अर्थ है मुखीआ। इत्थे वाजे पंच का अर्थ है मुखीए शब्द। मुखीए शब्द किहड़े ने? चंगे शब्द किहड़े ने? सब तो उत्तम शब्द किहड़े ने? गुरबाणी कोल फैसला ले लिए, उत्तम श्लोक साध के बैठो। सब तो उत्तम किहड़े ने? वह गुरु के बोल ने, गुरु के पावन बोल ने। तो इत्थे अर्थ बने वाजे पंच शब्द, जिहड़े सब तो श्रेष्ठ शब्द ने, ओ उस नाम वाले, उस बंदगी वाले, उस रब्बी याद नाल जुड़े हुए हिरदे विच बजन लग पेंगे। उहदे अंतर आत्मे बजदे ने,
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰਸ ਭਾਗ ਹੈ, ਘਰਸ ਭਾਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਪੀ 'ਚ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਲਾ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖਿਲਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਲਾ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਨ ਅਰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਂਦ ਕਮਲ ਵਿਕਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੁਣਤ ਅਗਾਧ ਬੋ ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦੂਤ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ, ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਿਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਪੰਚ ਸਤਾਵੇ ਦੂਤ ਕਵਨ ਵਿਦ ਮਾਰਣੇ, ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਧਾਵੋ ਦਸ਼ਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੇ। ਪੰਚ ਸਤਾਵੇ ਦੂਤ ਕਵਨ ਵਿਦ ਮਾਰਣੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਚਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਤੇ ਮੈਂ ਜੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਨਿਬਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈ ਰਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ, ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ 'ਚ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੋਆ, ਰੋਗ ਸੁੱਖ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਰਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਬੰਨ ਲਇਓ, ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ, ਛੁੱਟੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਬੂ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਗ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਾਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਬਸ ਕੀਤੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਆਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਖੇਡਣ ਮੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਿਆ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਕਦ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਘੁਮਿਆਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਘੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਲੋਕ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਪਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਣਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਉ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ ਚਿੱਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ।
इतनी बेनती कबूल करो। बुढ़ा चुका की खिमा अदब सत्कार आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। ऐसान पथ के महाविद्वान कथा वाच सत्कार ज्ञानी अमरीत सिंह जी चंडीगढ़ वाले जिन्हां पासवान जी पवित्र गुरबाणी चार कर इतिहास कर रहे थे भाई साहब जी का बहुत